जी हाँ, तो माया या सिद्धि, करौली बाबा की प्रसिद्धि और प्रसिद्धि तक की ये जो यात्रा है, इसकी शुरुआत एक स्कूटर से होती है। एक शख्स खटारा स्कूटर लेकर चलता था, न घर न मकान न कोई रोजगार, लेकिन अचानक से किसी फिल्म की तरह उसकी जिंदगी बदल जाती है और वो 14 एकड़ के आश्रम का मालिक और करोड़ों की दौलत इकट्ठा कर लेता है। ये सब कुछ 10 साल में हुआ। उस शख्स का नाम संतोष सिंह भदौरिया है, जिसे आज उसके अनुयायी बाबा करौली सरकार के नाम से जानते हैं। बाबा करौली सरकार के दरबार में चमत्कार का दावा किया जाता है और बड़ी बात यह कि उनके भक्त इस पर विश्वास भी करते हैं। 10 साल में बाबा करौली सरकार की शोहरत विदेशों तक जा पहुंची और दौलत करोड़ों में। इस एक्सक्लूसिव रिपोर्ट में देखिए, आखिर बाबा करौली सरकार की प्रसिद्धि के पीछे सिद्धि है या फिर कोई माया है जिसके दम पर बाबा करौली सरकार ने एक माया लोक तैयार कर लिया है। ओम शिव शिव, सब फोन उठा के जला दीजिए। ओम शिव, सब वही रखे जाए, यहाँ रखे जाते सारे। ओम शिव। ओम माँ महाकाली प्रकट। शिव। बाबा करौली का प्रहार, भूत भगाने को पड़ती मार। उल्टी कराई जाए, बाहर गंदगी निकाली जाए। मुल्ला जी, मौलाना मौलाना मौलाना, शांति शांति, मौलाना की सारी स्मृतियां बाहर निकाली जाएं। ओम शिव। पूरी आत्माओं का वशीकरण बाबा करौली करते, शुद्धिकरण भूत प्रेतों वाली पेशी वाली स्वयं विस्मृति नष्ट जाएंगी। आग का गोला अंदर। शिव। जहां जहां गए लोग झाड़ फूक कराने, तंत्र मंत्र टोना टोटका कराने, जहां जहां से गंदगी लेके आए, सारी गंदगी पूरी दुनिया में। अब दुनिया के आखिरी में आ गई हो तुम। ओम, सारी गंदगी नष्ट की जाए घर से। ओम शिव। पूरा घर प्रकाशित कर दिया जाए, इसके घर को दरबार बना दिया जाए, इसके घर को भी दरबार बना दिया जाए। ओम बैलेंस। इसके घर को मैंने शमशान बना दिया। दरबार में अदृश्य ऑपरेशन, बाबा करौली का भूख बंतर। नोच के बाहर बाल निकाल लिए। ओम शिव। बचा बचा। आहा, अब निकली। अच्छा आओ। आहा, बलि बलि लेती थी। अच्छा। हाथ हिला हिला कर बाबा करौली मन ही मन में कुछ पढ़ते हैं और कुछ ही मिनटों में सामने खड़े शख्स के साथ चमत्कार हो जाता है और सारी परेशानी, सारी बेचैनी, सारे दुख दर्द दूर हो जाते हैं। ऐसा दावा बाबा करौली के दरबार में किया जाता है। ऐसे कथित चमत्कारों को YouTube पर देखकर, लोगों के किस्से कहानियों को सुनकर कानपुर के पास करौली आश्रम में भीड़ बढ़ती जा रही है और बाबा करौली की दौलत भी। बाबा करौली ने इतनी दौलत इकट्ठा कर ली है कि इतना बड़ा आश्रम तैयार कर लिया है कि एक जगह से दूसरी जगह जाने के लिए लग्जरी गाड़ी में सवार होना पड़ता है। इतना ही नहीं, बाबा करौली का दावा है कि वो सालाना 20 करोड़ टैक्स देते हैं। अब सोचिए, जब टैक्स इतना है तो दौलत कितनी होगी। यहाँ पे कोई सामान आपको, आप चले जाए हेयर काउंटर पे,
एक भी सामान आपको कैश नहीं मिलेगा, इतना धागा नहीं मिलेगा आपको, एक अगरबत्ती नहीं मिलेगी कैश, हर चीज ऑन रिकॉर्ड है, हर चीज का यहाँ टैक्स पे किया जाता है। संत वो होता है जो मोह माया से मुक्ति दिलाने का मार्ग बताता है, सांसारिक बंधनों से छुटकारे का रास्ता बताता है, लेकिन बाबा करौली ने ऐसा मायावी संसार बना लिया है जिसके दम पर वो खूब माल कमा रहे हैं, वो ऐसे माया लोक के स्वामी बन बैठे हैं। जहां लग्जरी गाड़ियां हैं, जहां करोड़ों का कारोबार है, जहां दौलत का अंबार है, और उसकी सुरक्षा के लिए बाउंसरों की फौज है। खटारा स्कूटर पर चलने वाले संतोष सिंह भदौरिया अब बाबा करौली सरकार बन चुके हैं। कभी टेम्पो में पूरा परिवार चलता था, अब घर के हर शख्स के लिए महंगी कार है। इतना ही नहीं, सिक्योरिटी के लिए बाउंसरों का रैला भी साथ चलता है, जिन्हें भी बाबा ने महंगी कारें दी हुई हैं। तमाम कारों के लिए आश्रम में एक बहुत बड़ा गैराज भी बनाया गया है। बाबा करौली ने इतनी दौलत कमा ली है कि आज बाबा करौली सरकार के पास अरबों की संपत्ति है, जबकि एक वक्त खुद का घर भी नहीं था। लेकिन संतोष भदौरिया कभी प्रॉपर्टी डीलर बने, कभी किसान यूनियन के नेता, तो कभी आयुर्वेदाचार्य, जिसके लिए वो केरल तक किसी विद्या को सीखने के लिए भी गए थे। उसके बाद से संतोष भदौरिया की किस्मत चमकने लगी और वो संतोष भदौरिया से बाबा करौली सरकार बन गए। इसके बाद करौली सरकार ने करौली गांव में 14 एकड़ में आश्रम बना लिया, 100 बीघा जमीन अपने नाम करवा ली, आश्रम में पूजा सामग्री की फैक्ट्रियां लगवा डाली, कानपुर के रेव 3 मॉल के पास आलीशान बंगला बना लिया और 30 लग्जरी गाड़ियों का काफिला तैयार कर लिया, जिसमें कौन कौन सी गाड़ियां हैं उनके नाम सुन लीजिए। लैंड रोवर डिफेंडर, जिसकी कीमत करीब 2 करोड़ है, जिसमें बाबा करौली सरकार खुद चलते हैं। काफिले में 3 रेंज रोवर गाड़ियां हैं, जिसमें परिवार के लोग चलते हैं। तो ये था करौली सरकार का पूरा साम्राज्य और उससे जुड़ी बड़ी बातें। वक्त एक छोटे से ब्रेक का, लेकिन ब्रेक में जाने से पहले इस वक्त की हेडलाइंस।